नमस्कार, आप देख रहे हैं एसजे न्यूज, जनता की आवाज। युवा विधायक विकास उपाध्याय ने कोरोना से बचाव हेतु बांटा विभिन्न सामग्री, इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है, राजीव गांधी जी का पूरा जीवन समर्पण में लोगों की सेवा में रहा, और वो मैसेज भी है कांग्रेस के कार्यकर्ता को कि राजीव गांधी जी के जो उद्देश्य हैं, राजीव गांधी जी की जो सोच है, उसको लेकर जनता के बीच में हम जाए। 101 से ज़्यादा कंसंट्रेटर मशीन है, 5000 से ज़्यादा भाप की मशीन है, और 50,000 घरों में तो पहले हम लोगों ने मास्क वितरण किया था, अभी भी घरों में सीधा मास्क वितरण करने का काम हम लोगों के माध्यम से किया जा रहा है। ऑक्सीमीटर जो कांग्रेस के हमारे कार्यकर्ता हैं, जो आंगनबाड़ी की बहनें हैं, जो मितानिन हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले, एनजीओ चलाने वाले लोग हैं, उनके माध्यम से लोगों के बीच में जाकर एक डायरी मेंटेन, एक किताब डाटा मेंटेन करें, ताकि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उसकी समस्या का समाधान हम कर सकें। दल्ली राजराम मामले विवाद के चलते पति ने पत्नी की हत्या कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार टीचर कॉलोनी वार्ड क्रमांक 7 निवासी बीएसपी कर्मी मदनलाल सूर्यवंशी की अपनी पत्नी से किसी बात पर मामूली विवाद हो गया, जिस पर मृतका पत्नी ने अपने पति का मोबाइल जमीन पर पटक कर तोड़ दिया। इसके बाद दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। इसी दौरान लकड़ी के पट्टे से मदनलाल ने अपनी पत्नी के सर पर मार दिया, जिससे वह जमीन पर गिर गई। इसके बाद उसने मृतका के मुंह में कपड़ा ठूस कर घर से चला गया, जिससे उस महिला की मृत्यु हो गई। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आदिवासी कांग्रेस जिला अध्यक्ष रत्तीराम कोस्मा के नेतृत्व में भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की याद में शहादत सप्ताह मनाया जा रहा है। तीसरे दिन डोंडी ब्लॉक के सिंघोला ग्राम पंचायत के ग्राम परस बिहरी में गौठान निर्माण में लगे मजदूर व ग्रामीणों को मास्क, सैनिटाइजर का वितरण कर कोरोना के प्रति जन जागरण अभियान चलाया गया। महावीर कोविड सेंटर से डिस्चार्ज हुए सभी मरीजों को जनपद सदस्य संजय बैस ने भाप मशीन, फेस शील्ड, मास्क आदि का वितरण कर कोरोना से जंग जीतने पर बधाई दी। इसके साथ ही कार्यक्रम में डॉक्टर नसीम खान, देवराज जैन, गांधी सिन्हा, हितेश गुप्ता, पुष्पजीत बैस उपस्थित रहे। आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश व दिल्ली राजरा सहित आसपास की खबरों के लिए आप देखते रहें एसजे न्यूज।